अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको शॉर्ट फ्रॉक के साथ पैच लगाने का तरीका बताएंगे। ये मैंने एक फ्रॉक ली थी और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ पैच लगाकर इसको खूबसूरत बना लिया जाए। तो ये मैंने इसी के कलर का एक जैसे डिज़ाइन बना है, इसी के कलर का एक पैच ले लिया ताकि इसके साथ अगर इसको अटैच कर दिया जाए तो ये एक तो और ज़्यादा खूबसूरत लग जाए और दूसरा इसकी थोड़ा सा लंबाई भी बढ़ जाए। तो आज हम आपको इसका तरीका बताएंगे कि किस तरह से इसको साथ अटैच करके आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये आपने सारे पैच को इसके नीचे रख लेना है। ये मैंने जो है वो इसके साथ बिल्कुल इसके नीचे रख लिया है और यहाँ पर जो है वो सिलाई आप लगाएंगे। वैसे तो इसके मोटे मोटे मोती हैं तो ऊपर जगह बनी हुई थी तो वहाँ पर जो है वो सिलाई बहुत आसानी से लग सकती है। तो इस तरह से जो है वो हम इसकी सारी सिलाई लगा लेंगे और सिलाई आपने बिल्कुल जो है वो साथ साथ लगानी है। अगर इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे एक तो ये बुरी मालूम नहीं होगी, दूसरा बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये इसके साथ सिलाई वगैरह लगी हुई है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और वैसे तो इसके और भी तरीके होते हैं, इसके ऊपर भी हम इसको अटैच कर सकते हैं, इसके अंदर भी अटैच कर सकते हैं। आधा हिस्सा जो है वो ऊपर रख के और आधा हिस्सा नीचे रख के भी हम इसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इस तरह अगर आप कोई भी फ्रॉक लेते हैं और वो आपकी बिल्कुल शॉर्ट सी होती है तो आप अपने पसंद का कोई भी साथ में पैच लगा सकते हैं। तो ये एक आजकल गर्मियों का मौसम आ रहा है तो ये एक लॉन की फ्रॉक थी तो उसके साथ हमने ये पैच लगा लिया। अब अगर ये पैच मोटा भी है तो इससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पैच जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए हमने इस तरह से देखें सिलाई आगे की तरफ सिलाई लग चुकी है और अब ये पीछे की तरफ भी इसी तरह खूबसूरती के साथ लगाना है, जैसे कि पीछे वाले हिस्से में भी ऐसे ही मालूम हो कि जैसे डबल सिलाई लगी है। वरना अगर आप उसको ज़्यादा सी सिलाई करके लगाएंगे तो वो बहुत अजीब सा लगेगा और ऐसे ही मालूम होगा जैसे कि अलग से कोई चीज़ लगी हुई है। तो इस तरह से हमने इसके साथ डबल सिलाई की शेप में इसको लगा लिया है। अब हम इसके पीछे वाले हिस्से को भी इसी तरह से उसके साथ जोड़ लेंगे और फासला बिल्कुल आपने बराबर रखना है, बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। और अब जो एंड पे ये बच गया है हमने इसके मोती काट कर तो यहाँ पर इसको सिलाई कर लिया है। इसके हमने मोती जो हैं वो काटे हैं, काट कर इसको अंदर की तरफ ये फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर आराम आराम से सिलाई लगाएंगे इन मोतियों के बीच में, क्योंकि मोती जो हैं वो काफ़ी सख्त हैं, बिल्कुल भी उतरने वाले नहीं हैं, तो हमने काट कर इसको अलग किया है। तो ये हमारी खूबसूरत सी फ्रॉक तैयार हो चुकी है। देखें इसके साथ जो है वो और ज़्यादा प्यारी लग रही है और थोड़ी सी लंबी भी हो चुकी है, तकरीबन 4 इंचेस ये बड़ी हो चुकी है और अब ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्रॉक को 4 चांद लगे हों। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल स्टिचिंग एंड कटिंग को सब्सक्राइब करें।